मी सिक्स बॉट की बात करें अगर, तो ये बॉट जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिस्कॉर्ड बॉट्स में से एक है, जस्ट बिकॉज कि ये मल्टी टास्किंग है। एक अकेला बॉट जो है वो आपके जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसका रैंकिंग सिस्टम संभाल सकता है, आपके जो डिस्कॉर्ड सर्वर पर मेंबर्स हैं उनको रैंक कर सकता है उनकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से। इसके अलावा आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने जो ऑफलाइन कंटेंट है, जो वीडियोस आप अपने चैनल्स पे अपलोड करते हैं उनका नोटिफिकेशन अपने डिस्कॉर्ड सर्वर के मेंबर्स को भेजने के लिए, इसके अलावा म्यूज़िक सुनने के लिए, और एज ए मॉड भी हम लोग अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सारे फंक्शंस हम लोग कैसे करेंगे अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे मी सिक्स बॉट को इन्वाइट करके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हेल गेमिंग। और सीधे चलते हैं, देखिए हम लोग सबसे पहले आपको दिखाते हैं अपना डिस्कॉर्ड सर्वर जो कि अभी बिल्कुल खाली है, कोई मेंबर नहीं है उस पर और कोई बॉट भी नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे जो राइट साइड में जो पेन है इसमें कोई भी नहीं है फिलहाल। तो इस सर्वर पे हम लोग इन्वाइट करने वाले हैं मी सिक्स बॉट को और उसको कन्फिगर करते हैं। इसके लिए हम लोग खोलेंगे अपना वेब ब्राउज़र, और वेब ब्राउज़र में हम लोग जाएंगे खास वेबसाइट पर जिसका नाम है discordbots.org। टाइप करते हैं जल्दी से और ऊपर ही देखिए लिस्ट आ रही है discordbots.org, और यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे बॉट का नाम, दैट इज़ मी सिक्स एंड सर्च। सर्च करने के बाद वो बॉट जिसके जिस पे एक स्माइली फेस बना रहा है ये है, इसको इनवाइट करते हैं हम लोग मी सिक्स को। इनवाइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और नेक्स्ट पेज पे एक बार फिर इनवाइट करेंगे इनवाइट, और इनवाइट करने के बाद यहाँ पे हम लोगों से कंफर्म किया जाएगा कि हम लोगों को इसको डिस्कॉर्ड पे किस सर्वर पे ऐड करना है, और ये है BHG लाइव यानी ब्लड हिल गेमिंग लाइव का डिस्कॉर्ड सर्वर सेटअप मी सिक्स। ये विंडो देखिए आप जो दिखाई दे रही है यहाँ पे ऐड बॉट टू हम लोगों के सर्वर का नाम है यहाँ पे कंटिन्यू, और ये सारे इसको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हम लोगों को दे रहे हैं कि ये सारी की सारी परमिशंस आपको इसको असाइन करनी है। ऑथराइज़ किया इसको, और ऑथराइज़ करने के बाद रोबोट नहीं है हम लोग, ऑब्वियसली बॉट को बताना पड़ता है कि आप रोबोट नहीं हैं, और इतना करने के बाद जो मी सिक्स बॉट है वो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे जा चुका है। हम लोग एक बार चेक करते हैं अपना डिस्कॉर्ड सर्वर जल्दी से, एंड यहाँ पे आप देखिए मेरे नाम के ठीक नीचे लिखा रहा है मी सिक्स। अब हम लोग इसको कन्फिगर करते हैं यहाँ पर, और कन्फिगरेशन में सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं इसके लिए हम लोगों को वहीं वेब ब्राउज़र पर ही जाना पड़ेगा, वहाँ मी सिक्स डिस्कॉर्ड बॉट का जो डैशबोर्ड है वहाँ से सारी सेटिंग्स हम लोग करेंगे इसकी। ओपन करते हैं वेब ब्राउज़र अपना, और जो पेज हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये है मी सिक्स बॉट का डैशबोर्ड। सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है कस्टम कमांड्स, क्लिक करते हैं इस पर। कस्टम कमांड्स एक्चुअली वो कमांड्स हैं जो हम लोगों को अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे चाहिए कि कोई भी आके अगर वो कमांड लिखे तो किसी भी एक्टिव मेंबर की जगह मी सिक्स बॉट उस कमांड को रिस्पॉन्ड कर दे हमारी जगह। तो मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है कस्टम कमांड, क्लिक करते हैं इसको, और कस्टम कमांड के बाद ऊपर आ रहा है कमांड नेम। यहाँ पे वो कमांड है जिस कमांड को अगर कोई ट्रिगर करे तो उसका एक्शन क्या हो। तो मैं यहाँ पे कमांड कर देता हूँ एक्सक्लेमेशन हाय, अगर आके कोई भी आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पे हाय बोले तो मी सिक्स बॉट उसको ऑटोमेटेड एक रिप्लाई देगा, और वो रिप्लाई क्या होगा नीचे देखिए अगला जो सेक्शन है, नीचे लिखा है एक्शंस और लिखा है द बॉट रिस्पॉन्ड्स विद, और नीचे मैसेज है कि बॉट किस मैसेज के साथ उसको रिस्पॉन्ड करेगा, हाय आई एम मी सिक्स द डिस्कॉर्ड बॉट। अब ये डिफॉल्ट मैसेज आप चाहें उसको चेंज कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हाय आई एम मी सिक्स डॉट हाउ आर यू टुडे। इस तरीके से आप जो चाहें वो एक कस्टम मैसेज अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और जब सबसे नीचे यहाँ पे आप देखिए कि बॉटम राइट में जो ये ऐड का बटन है इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये कमांड जो है वो आपके जो डी जो कस्टम कमांड्स हैं उसमें ऐड हो जाएगी। इसके अलावा आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पे मान लीजिए कोई ऐसा रोल है, आपने एक रोल ऐसा बनाया हुआ है कि ये कुछ आपके क्लैन मेंबर्स हैं या कुछ आपके यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप जिन्होंने जो स्पॉन्सर्स हैं आपके वो हैं, और आप उनसे कुछ छोटी मोटी एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए कमांड है एक्सक्लेमेशन कॉन्टैक्ट, तो आप अपना जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो उन डिस्कॉर्ड मेंबर्स के साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन वो आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे तो नहीं शो करना है, वो तो एक प्राइवेट मैसेज उसको पर्टिकुलर बंदे को चला जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोगों ने एक्सक्लेमेशन हाई लिखा है यहाँ पे हम लोग कमांड लिखेंगे एक्सक्लेमेशन कॉन्टैक्ट, और नीचे आप बॉट रिस्पॉन्स में दिए जो मैसेज है यहाँ पे लिख देंगे कि हाय आई एम एक्स वाई जेड जो भी आपका नाम हो, और उसके बाद यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन, उसके बाद अपना नंबर दे सकते हैं। और ये करने के बाद आपको ऊपर देखिए यहाँ पे ये प्राइवेट एक ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको इनेबल कर देना है।
तो होगा ये कि ये कमांड लगने के बाद जिस बंदे के पास वो अथॉरिटी होगी कि वो कॉन्टैक्ट नंबर आपका मांग सके और मी6 इसको चेक कर लेगा, तो उस बंदे को प्राइवेटली एक उसके डिस्कॉर्ड पे एक मैसेज चला जाएगा कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। तो इन दोनों तरीके से हम लोग मी6 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिलहाल मैं हाई कमांड को ही ऐड कर रहा हूँ, ऐड, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कमांड्स में एक्सक्लेमेशन हाई कमांड जो है वो ऐड हो गई है। तो इतना सिंपल है जो टेक्स्ट कमांड्स हैं उनको ऐड करना है। यहाँ पर अगला फीचर जो हम लोग मी6 बॉट का कवर करने वाले हैं वो देखिए, अगला है लेवल्स। क्लिक करें इस पर। लेवल एक्चुअली क्या है कि जो भी एक्टिव मेंबर्स हैं आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पे वो कितने ज़्यादा एक्टिव हैं। एक्चुअली ये जो लेवल है इसका काम ये होता है कि जो भी बंदा जितना ज़्यादा एक्टिव है, जो मेंबर जितना ज़्यादा एक्टिव है, उसके हिसाब से ये उसको पॉइंट्स जो हैं वो देता है और उसको लेवल अप करता रहता है। इससे जो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर मेंबर्स हैं उनको थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है कि वो एक्टिव रहें सर्वर पे। और आप लोग चाहें तो ज़्यादा एक्टिव जो मेंबर्स हैं उनको अलग अलग तरीके से रिवॉर्ड कर सकते हैं, चाहे तो छोटे मोटे कुछ टेम्परेरी या परमानेंट रोल्स उनको असाइन कर सकते हैं जिनमें उनको थोड़े से ज़्यादा राइट हों आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पे, या कुछ भी। तो इस यहाँ पे हम लोगों को ये चेक करना है कि ये जो फीचर है लेवल वाला ये इनेबल्ड हो यहाँ पे, और ये ऑटोमेटिकली इनेबल्ड है पहले से, ये डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी इनेबल्ड है। और जैसे जैसे आपके एक्टिव मेंबर्स जो हैं उनकी एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी वैसे वैसे जो मी6 है वो ऑटोमेटेड रिप्लाई एक देगा, और वो रिप्लाई यहाँ पे है। देखिए लेवल अप होने पे अनाउंसमेंट क्या आएगा, जीजी प्लेयर, प्लेयर मतलब जो भी आपका डिस्कॉर्ड सर्वर का मेंबर उसका नाम होगा, यू हैव जस्ट एडवांस टू लेवल, कौन से लेवल पे वो एडवांस हो गया है। आप चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया ये एक डिफ़ॉल्ट मैसेज है, आप चाहें तो अपने मन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। मी6 बॉट का अगला फीचर जो हम लोग कन्फिगर करने वाले हैं यहाँ पे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फीचर है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम लोग किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में या किसी और पार्टी वार्टी में जाते हैं, तो एक दो लोग ऐसे होते हैं जो बाहर खड़े हैं, जो आने वालों को वेलकम कर रहे हैं, जो जा रहे हैं उनको सी ऑफ कर रहे हैं ठीक से। तो बिल्कुल वैसा सही है ये। और ये तीसरा ऑप्शन है, आप देखेंगे वेलकम, क्लिक करते हैं इस पर, और यहाँ पे आप देखिए कि आपको चार अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है कि जो भी बंदा आपका डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करता है उसको जो मी6 बॉट है उसको ग्रीट करे, एक मैसेज भेजे उसको। दूसरा है कि जो भी बंदा ज्वाइन कर रहा है उसको एक प्राइवेट मैसेज भी भेजे कि आपने ज्वाइन किया। तो इंडिविजुअल अटेंशन किसको अच्छी नहीं लगती है, तो मी6 जो है वो एक पर्सनल मैसेज भी उसको भेजेगा। तीसरा, अगर कोई बंदा आता है नया ज्वाइन करता है, वो आते के साथ ही उसको नया रोल दे दे कोई। अगर आपने अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में ऐसा कुछ रखा हुआ है कि नए बंदे को आते ही कोई रोल मिलना चाहिए, अगर ऐसा है तो वो कर सकता है। और चौथा, अगर कोई बंदा आपका डिस्कॉर्ड सर्वर लीव कर रहा है कोई मेंबर, तो वो उसको एक कस्टमाइज्ड मैसेज दे कि मतलब जो भी हो, इट वाज ग्रेट टू सी यू हियर, इट वाज नाइस टू हैव यू ऑन आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। तो मैं एक एग्जांपल आपको देख बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग पहला वाला जो ऑप्शन है उसको इनेबल करते हैं, और इनेबल करने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे है चैनल की जो मैसेज आप लोग देने वाले हैं वेलकम वाला वो किस चैनल में एक्चुअली जाएगा। फिलहाल हमारे पास जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसमें एक ही चैनल है जनरल, तो यहाँ पे आपको लिस्ट में एक ही चैनल दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास ज़्यादा चैनल्स होंगे, अगर आप लोगों ने अलग से वेलकम के लिए ही वेलकम करने के लिए एक चैनल बनाया हुआ है तो वहाँ पर शो होगा। तो जो भी चैनल है यहाँ पर सेलेक्ट करें, मैंने यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करा, और ये वेलकम मैसेज शो होगा, हे यूज़र वेलकम टू जो सर्वर का नाम है। ये भी डिफ़ॉल्ट मैसेज, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले अभी करके दिखाया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो यूज़र लिखा है इतना पोर्शन और ये सर्वर वाला पोर्शन, इसको आप टच नहीं करेंगे, इस पे नाम नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे। तो ये एक्चुअली एक सिंटेक्स होता है, एक तरीके से कोडिंग होती है जिससे कि जो मी6 बॉट है वो अपने आप प्लेयर का नाम या जो मेंबर जो ज्वाइन कर रहा है उसका नाम और डिस्कॉर्ड सर्वर जो उसका नाम अपने आप फेच कर लेता है। तो इससे छेड़छाड़ नहीं करें, इसके अलावा जो भी मैसेज है उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप सेव करेंगे तो ये वेलकम मैसेज जो है वो सेव हो जाएगा। इसके अलावा अगर और नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें तो बाकी भी आपको, ये सारे प्रीमियम है इसको छोड़ देंगे, हम लोग फ्री वाली बात करेंगे अभी। तो नीचे ये है कि ऐसे ही आप एक प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं, यहाँ पर हैव अ ग्रेट टाइम इन द सर्वर, ये प्राइवेट मैसेज में जाए। आप चाहें तो वही बात है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, जो चाहें आप टाइप करें और उसको सेव कर दें आगे। तो फिलहाल तो मैंने इसको भी ऐसे ही सेव कर दिया। तो ऐसे ही आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि मी6 हर एक आने वाले बंदे का और जाने वाले बंदे का ख्याल रखे और उसको अच्छे से वेलकम करे और अच्छे से सी ऑफ करे। मी6 बॉट का जो अगला फीचर जिसको हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं वो है म्यूज़िक, ये हमको गाने भी सुना सकता है। तो इसके लिए क्लिक करते हैं म्यूज़िक पे, और हम लोगों को ध्यान रखना है कि लेवल्स की तरह ये वाला ऑप्शन भी इनेबल होना चाहिए। देखिए यहाँ डिसेबल का साइन बटन आ रहा है, इसका मतलब ये पहले से इनेबल्ड है। और ये सारी कमांड्स हैं जिन कमांड्स को आप यूज़ करेंगे जब आप किसी भी म्यूज़िक को प्ले करने वाले होंगे। तो यहाँ से आपको डैशबोर्ड से सारी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सी कमांड आपको यूज़ करनी है एक पर्टिकुलर ट्रैक को सर्च करने के लिए, उसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करने के लिए और फिर उसको प्ले करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा इसका डिस्कॉर्ड सर्वर पे जल्दी से।
तो अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे हम लोग दो चैनल सब बनाने वाले हैं। एक हम लोग बनाएंगे टेक्स्ट चैनल, क्रिएट चैनल पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट चैनल रहेगा और इसका नाम रखते हैं म्यूज़िक। और ऐसे ही हम लोग एक दूसरा चैनल बनाएंगे वॉइस चैनल और इसका नाम भी रखेंगे म्यूज़िक। ये वॉइस चैनल होगा, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। इतना होने के बाद हम लोगों ने म्यूज़िक चैनल बनाया वॉइस वाला, इसमें हम लोग जाएंगे क्लिक करते हैं और नीचे आएगा कॉल कनेक्टेड। हम लोग आ गए हैं जो म्यूज़िक चैनल है उसमें, और ऊपर जो टेक्स्ट वाला म्यूज़िक है वहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। और यहाँ ये जो टेक्स्ट वाला चैनल है यहाँ पे हम लोग एक कमांड लिखते हैं एक्सक्लेमेशन सर्च। और ऐसे ही जो और कमांड्स हैं जो आप मी बॉट के लिए यूज़ कर सकते हैं वो सारी वहीं पे हैं जहाँ मैंने आपको दिखाया, जो वेब पेज है हमारा उसमें पूरी कमांड्स की एक लिस्ट बताई थी, आप लोग सारी कमांड्स वहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सर्च यहाँ पे कमांड है किसी पर्टिकुलर गाने को सर्च करने के लिए, एक्सक्लेमेशन सर्च और उसके बाद नाम लिखते हैं गाने का, जो चाहे लिख सकते हैं। और आप जब ये एंटर करेंगे तो आप देखिए कि पूरी लिस्ट आ गई है सॉन्ग्स की। इसमें जो भी गाना आपको सुनना है, जो भी गाना आप प्रेफर करते हैं, उसके सामने जो नंबर है उसको टाइप करें, 1 मैंने यहाँ पर टाइप किया। और जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये गाना प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा। आप देखिए प्लेलिस्ट में ऐड हो गया है गाना। इसके साथ साथ मेरे को B6 ने लेवल अप भी कर दिया है, इट्स अमेजिंग। तो ये गाना हमारी प्लेलिस्ट में ऐड हो गया। और प्लेलिस्ट में ऐड करने के बाद हम लोगों को इस गाने को सुनना है अभी, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको लिखना है एक्सक्लेमेशन प्ले। और जैसे ही मैं आप इसको एंटर करूँगा आप देखिए कि जो म्यूज़िक वाला वॉइस चैनल है उसमें अपने आप M6 आएगा और ये गाना प्ले होना शुरू हो जाएगा। मैं एंटर करता हूँ एंड यू सी कि M6 आ गया है, लेकिन मैंने म्यूज़िक अभी बंद किया हुआ है, साउंड बंद की हुई है, जस्ट बिकॉज की कॉपीराइट क्लेम आता है। तो इतना ईजी है M6 बॉट का यूज़ करके म्यूज़िक सुनना। अगर आपको ये स्टॉप करना हो तो सिंपल कमांड है एक्सक्लेमेशन स्टॉप और एंटर करेंगे तो ये अपने आप गाना बंद हो जाएगा। आप देखिए M6 जो है जा चुका है। अगले जिस फीचर की हम लोग बात करने वाले हैं और जिसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कि जब भी आप एक ऑफलाइन वीडियो अपलोड करते हैं अपने चैनल पे तो M6 जो है वो आपके डिस्कॉर्ड सर्वर के जितने मेंबर्स हैं सबको नोटिफिकेशन भेज दे कि इस यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड हुई है। तो इन्हीं डैशबोर्ड में आप देखिए नीचे एक फेंटेड ऑप्शन आ रहा है यूट्यूब का, क्लिक करते हैं इस पे और इनेबल करते हैं इस प्लगइन को। प्लगइन को इनेबल करने के बाद हम लोगों से पूछा जाएगा कि आपका यूट्यूब चैनल कौन सा, सर्च करिए उसको। तो यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं अपने चैनल का जल्दी से, ब्लड हिल गेमिंग लाइव, एंड आई होप कि जल्दी से ये चैनल आ जाना चाहिए। ओके, तो सबसे ऊपर ही आ रहा ब्लड हिल गेमिंग लाइव, ये हमारा चैनल है, क्लिक करते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है, वही एक डिफ़ॉल्ट मैसेज, हाय एवरीवन, फलाना जो भी YouTube चैनल का नाम है आपके हैज़ पोस्टेड अ वीडियो, गो चेक इट आउट। तो इतने हिस्से को आप चाहें तो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पे आप एक चैनल भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये मैसेज किस चैनल में आपके किस टेक्स्ट चैनल में डिस्प्ले हो। रिकमेंडेड ये है कि आप अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे अलग से एक चैनल बना लें वीडियो नोटिफिकेशन करके, और यहाँ पे उस चैनल को चूज़ कर लें जिससे कि वो वीडियो नोटिफिकेशन वाला चैनल इसी काम के लिए इस्तेमाल हो कि जब भी हम लोग एक नई वीडियो अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल पे तो M6 हमारे सारे डिस्कॉर्ड मेंबर्स को ये मैसेज भेज दें। इतना करने के बाद आपको, फिलहाल मैं यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करता हूँ, सेव कर लिया यहाँ पर, और सेव करने के बाद आप ये देखेंगे कि ये चैनल जो है ऐड हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे उसका नोटिफिकेशन भी अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे अपने मेंबर्स को भेज सकते हैं। और भाई लोग, इस वीडियो का फाइनल फीचर M6 का जो हम लोग कन्फिगर करने वाले हैं वो ये कि हम लोग M6 बॉट को एज ए मॉडरेटर भी अपने चैनल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्लिक करते हैं, एक और प्लगइन है उस, आप देखिए नीचे यहाँ पे आ रहा है मॉडरेटर, थॉर का हथौड़ा जैसा बना रहा है, क्लिक करते हैं इस पे और इसको भी इनेबल करते हैं। और इनेबल करने के बाद जो पेज हमारे पास खुलेगा उसमें ये देखते हैं, नीचे आके थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे अगर तो नीचे आपको एक्शंस आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया है, देखिए आप देखिए ऑटो मॉडरेटर में बैड वर्ड्स, बैड वर्ड्स मतलब कोई फिलहाल ये डिसेबल्ड है, कोई भी आके अगर कुछ गाली गलौज करता है, बदतमीज़ी करता है आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पे तो कौन कौन से ऐसे बैड वर्ड्स हैं जो कि बैंड हैं आपके डिस्कॉर्ड सर्वर पे, जिनका इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं जल्दी से, क्लिक करते हैं सेटिंग्स और यहाँ पे इग्नोर्ड चैनल, अगर कोई ऐसा चैनल है जिस पे आपने अलाउ की हुई है कि जो एब्जर्ड जो शब्द हैं वो सब चलेंगे तो वो यहाँ लिख लें, वरना यहाँ पे कुछ ना डालें। अलाउड रोल्स, अगर ऐसा है कि मॉड्स या फाइनल बॉस जो हैं उनको आप अलाउ करना चाहते हैं कि बदतमीज़ी कर लें या गाली बक सकें तो नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं है, ना करें इसको। और नीचे है बैड वर्ड लिस्ट, यहाँ पे हम लोग अलग अलग वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं जो आप समझते हैं कि ठीक नहीं है, आपके डिस्कॉर्ड चैनल पे नहीं यूज़ होने चाहिए, डिस्कॉर्ड सर्वर पे नहीं यूज़ होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक दो चार एग्जांपल आपको देता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने एक शब्द दिया, एक शब्द यहाँ पे और ऐड कर देते हैं जल्दी से नीचे आके,
यही सबसे छोटे और ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं MCBC ABCD। नीचे क्या एक्शन हो अगर ये शब्द इस्तेमाल हो तो, नीचे देखिए खोलें इसको, डिलीट मैसेज, मैसेज डिलीट हो जाए, वॉर्न मेंबर, जो मेंबर जिसने काम किया उसको वॉर्न नहीं हो, और तीसरा ऑप्शन है डिलीट मैसेज एंड वॉर्न मेंबर, कि मैसेज को डिलीट भी कर देगा मी6 और जो मेंबर जिसने वर्ड इस्तेमाल किया उसको वॉर्न भी करेगा कि ऐसा ना करे। क्लिक करते हैं इस पर और क्लिक करने के बाद सेव करते हैं। तो इतना सिंपल है, आप लोग पूरे ये जो बैड वर्ड्स हैं उनकी पूरी एक लिस्ट डाल सकते हैं और जो मी6 है वो पूरी निगाह रखेगा कि कोई बदतमीजी ना करे आपका डिस्कॉर्ड सर्वर पे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, रिपीटेड टेक्स्ट है, सर्वर इन्वाइट्स, अगर कोई अपने सर्वर का इन्वाइट भेज रहा है आपके सर्वर पे आपके कुछ मेंबर्स को लियोर करने के लिए, तो उन सबको यहाँ पे आप रोक सकते हैं इनेबल करके। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिन्हें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। मी6 के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए, पूछिए हमसे, हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो बेल आइकन आपको ज़रूर दबाना है, घंटा ज़रूर बजा देना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होता है, जब भी एक नई वीडियो आती है वो घंटा बजता है और आपको पता लगता है कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।